हेलो फ्रेंड्स, बेसिक इंग्लिश फॉर न्यू लर्नर्स पार्ट टू। सीखे अंग्रेज़ी शुरू से। बहुत सारे लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि मैम सेंटेंस बनाते कैसे हैं, उसको लिखेंगे कैसे, शुरुआत कहाँ से करें, एंड कहाँ से करें, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बस मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, कि सेंटेंस को लिखे कैसे। सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये सब क्या चीज़ होती है, मैं इसको भी बताऊंगी। सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। तो हमारे सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ही, शी, इट। ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि राम है, राम की जगह पे अगर हमने राम की जगह पे हम ही लगाते हैं, शा सीता की जगह पे शी। और नॉन लिविंग थिंग मतलब कि बेजान चीज़ें, जैसे कि मेज़ है, कुर्सी है, या फिर कोई जानवर है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इट। सिंगुलर मतलब होता है कि एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है। प्लूरल मतलब बहुवचन। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होते हैं आई, मैं, यू, तुम, वी, हम, दे, वे, लोग, ठीक है। अगर फिर हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। ये जो हमारे होते हैं इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये सब हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि ये हमें बताते हैं कि जो काम हो रहा है वो किस काल में हो रहा है। मतलब कि इन हेल्पिंग वर्ब से हमको टेंस का पता चलता है, वक्त का पता चलता है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, या फ्यूचर में हो रहा है। प्रेजेंट अभी जो हो रहा है, पास्ट जो निकल चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। तो हेल्पिंग वर्ब इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें टेंस का पता चल सके। टेंस का पता लगाने के लिए यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारा होता है कर्ता। वर्ब होता है कर्ता, मतलब कि जो काम किया जा रहा है। अब सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है, जैसे कि राम सो रहा है, ठीक है, राम इज स्लीपिंग। खाना, सोना, चलना, बात करना, बैठना, ये सब हमारे वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, मतलब कि कर्ता होते हैं। वर्ब के बाद का जो भी सेंटेंस का हिस्सा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब भी हमारे तीन फॉर्म होते हैं वर्ब के, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये हमको बुक से लर्न करना पड़ता है। ये आपको बुक में मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, कहीं पे भी आप देखेंगे, वर्ब की फॉर्म को लर्न करना पड़ता है, वो आपका काम है। अब वर्ब के पास बाद जो हिस्सा बचा वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये चार चरण में, चार भागों में हमारा सेंटेंस बटा होता है। इन चार चीज़ों से मिलके हमारा एक पूरा सेंटेंस बनता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मैं लेके आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का, कि
और क्या क्या कैसे टेंस होते हैं, क्या होता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के साथ लगता है, ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगी। मेरे और भी वीडियोस हैं जो मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जहाँ पे मैंने टेंस एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे जाके भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और जिनको बिल्कुल शुरू से सीखना है वो मेरी लाइन से ये वीडियोस देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लर्न फ्रॉम माय वीडियोस, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू फॉर्म अ सेंटेंस एंड शेयर इट, लाइक इट एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू, टिल देन टेक केयर।